इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक चंक के ऊपर, जो कि अलग अलग ब्लॉक के लेयर से मिलकर बना है। और इसके साथ ही हम कुछ टारगेट को भी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ये कोई हार्डकोर नहीं है, तो एंजॉय। इस वर्ल्ड में हम स्पॉन हुए थे एक चंक के ऊपर। हमें किसी ने कुछ जानवरों के साथ यहाँ पे छोड़ दिया था। इस चंक पे एक बिर्च और एक ओक का ट्री था। तो इस जर्नी की शुरुआत हमने डिफॉरेस्टेशन से करी। ट्री को चॉप करने के बाद मैंने चंक के ऊपर के सारे ग्रास को तोड़ दिया, ताकि हमें थोड़े से वीट सीड्स मिल जाए और हमारे खाने का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि भूख से मरना तो बहुत ही बुरा आइडिया है। इसके साथ ही मुझे 2 ट्री सेपलिंग भी मिली थी, तो मैंने उसे भी प्लांट कर दिया। जो वुड मुझे मिले थे उसका मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाया और बचे वुड के कुछ फैंस बनाया और उसे एक कॉर्नर पर प्लेस करके एनिमल को कैद करने के लिए एक एरिया बनाने लगा, जो कि अधूरा ही रह गया। तो अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया, जैसे मैं एक नाकामयाब हॉर्स राइडिंग और फर्स्ट एक से चूजा निकालना। फिर मैंने सेकेंड लेयर को चेक किया, तो ये नेदराइट ब्लॉक का था। मतलब ऐसा क्यों, कैसे माइन होगा ये। इसके बाद भाई ने एक फार्मिंग एरिया बनाया था, तो मैंने सारे वीट सीड्स को वहाँ पे प्लांट कर दिया। फिर मैं नेदराइट ब्लॉक को पंच करने लगा। थोड़ी देर में मेरे हाथ में दर्द हो गया, तो भाई ने इसे माइन करने के लिए मुझे एक पिकैक्स दिया, एक वुडन पिकैक्स। तो फिर मैं वुडन पिकैक्स से नेदराइट ब्लॉक को माइन करने लगा। बीच बीच में उसे घूर भी रहा था, इस उम्मीद से कि शायद डर के मारे ये जल्दी टूट जाए, लेकिन इसका कुछ फायदा हुआ नहीं। बहुत देर तक पंच करने के बाद ब्लॉक आधा टूटा ही था कि इस चिकन को पता नहीं क्या हुआ, इसने मेरा सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। तो फिर मैंने उसे डर्ट से कवर किया और फिर से माइन करने लगा। सुबह से शाम हो गई और फाइनली मैंने उसे माइन कर ही दिया। यस, मैंने कर दिया, लेट्स गो। थर्ड लेयर बोन ब्लॉक का था, तो मैंने थोड़े से बोन ब्लॉक कलेक्ट किया। फोर्थ लेयर स्नो ब्लॉक और फिफ्थ ग्लोस्टोन का था, तो मैंने थोड़े से लाइटिंग के लिए ग्लोस्टोन को कलेक्ट किया। वापस आकर मैंने बोन ब्लॉक का बोन मिल बनाया और ट्री को ग्रो किया। इसके साथ ही मैंने ग्लोस्टोन बना के प्लेटफार्म पे लगाया। इसके बाद हम ट्री चॉप करने लगे। साथ में मैंने कुछ वीट को भी ग्रो किया और उसकी हेल्प से काऊ और चिकन को फेंस के अंदर ले गया और 2 बोट बना के दोनों पिगी को उसमें बैठा दिया। और इसके साथ ही हमारा डे 1 कम्प्लीट हो गया था। डे 2 को मैंने बहुत सारे ट्री प्लांट किया और बोन मिल का यूज करके उसे ग्रो किया और उसे चॉप किया। इसके बाद मैं फिर से नीचे चला गया। नेक्स्ट लेयर कॉबल डिप स्लेट का था, तो मैंने उसे भी थोड़ा सा माइन कर लिया। और हाँ, इस मैप में सारे लेयर अनलॉक हैं, हम जितने चाहे उतने लेयर एक दिन में ही माइन कर सकते थे। वापस ऊपर आके मैंने खाना कुक करने के लिए एक फर्नेस बनाया, लेकिन मैं भूल गया था कि हमारे पास कुक करने के लिए तो खाना ही नहीं है। तो बचे हुए डिप स्लेट से मैंने टिल को स्टोन में अपग्रेड किया और फिर पूरा दिन वुड कलेक्ट किया। और रात को मैं फिर से अंडरग्राउंड गया और वहां से बहुत सारे बोन ब्लॉक को माइन किया। नेक्स्ट लेयर ग्रेवल का था और उसके नीचे ही स्ट्रिंग था, यानी हम लोग बेड बना सकते थे। तो मैंने वहीं पे एक वुडन स्वॉर्ड बनाया और वहां से बहुत सारे स्ट्रिंग को कलेक्ट किया। वापस आके मैंने स्ट्रिंग का 6 वूल बनाया और उससे 2 बेड क्राफ्ट किए और अब हमारे सोने का इंतजाम हो चुका था। इसके बाद हमने जो लॉक कलेक्ट किया था उसका बहुत सारा स्लैब बनाया और फिर प्लेटफार्म को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। प्लेटफार्म को मैं सर्कल जैसा बना रहा था, लेकिन ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा था। प्लीज मुझे कोई सर्कल बनाना सिखा दो, इसे बनाना मेरे लिए इतना टफ क्यों है। फिर मैंने उसे थोड़ा सा ठीक किया और अब ये सर्कल जैसा लग रहा था। तो फिर मैंने और ट्री चॉप किया और सर्कल से मेरा हो गया था, तो मैंने फिर प्लेटफार्म को स्क्वायर कर दिया। डे 6 को मैं नीचे गया और जब तक मैं प्लेटफार्म को एक्सपेंड कर रहा था, भाई ने सारे ब्लॉक को माइन कर दिया था। नेक्स्ट लेयर गोल्ड का था और इसे माइन करने के लिए हमें आयरन पिकैक्स चाहिए था, तो फिर मैं आयरन वाले लेयर के लिए माइन करने लगा। और इसमें मुझे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक के लेयर मिले, लेकिन मेनली एमराल्ड, लेपिस, स्ट्रोमलाइट और लावा था। और एक लेयर था जो कि पूरा बुक सेल्फ से बना था। बुक सेल्फ के नीचे ही एक केक का लेयर था और फाइनली 10-12 ब्लॉक माइन करने के बाद आयरन वाला लेयर भी मिल गया, तो मैंने वहां से थोड़ा सा आयरन कलेक्ट कर लिया। वापस आके मैंने आयरन को स्मेल्ट किया और आयरन का एक एक्स बनाया और फिर मजदूरी करना शुरू किया। डे 7 का पूरा दिन यह कार्यक्रम चलता रहा। डे 8 को मैंने मॉब फॉर्म बनाने के लिए मटेरियल्स कलेक्ट किया और मॉब फॉर्म बनाना शुरू किया। डे 9 तक मॉब फॉर्म कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। इसे मैंने बिना वाटर के बनाया था, तो मुझे लगा कि बिना वाटर के ये काम नहीं करेगा, लेकिन तभी वो प्यारी सी आवाज़ आई। मैंने चेक किया तो एक स्केल्टन आया था और धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू किया और अब ये बहुत सही काम कर रहा था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बिना वाटर के इतना अच्छा काम करेगा। तो फिर मैं मॉब की कुटाई करने लगा, इस उम्मीद में कि कोई जॉम्बी कैरेट या पोटैटो ड्रॉप कर दे। इसी बीच फॉर्म में एक जॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, तो मैंने फार्म को बंद करके उसे बाहर निकाल के बोट में बैठा दिया, लेकिन ये बाद में मर जाता है तो इसका कुछ फायदा हुआ नहीं। इसके बाद मैं फिर से नीचे चला गया, तो भाई ने 4-5 लेयर और माइन कर दिया था और डायमंड वाला लेयर भी आ गया था, तो मैंने वहां से 5 डायमंड को माइन कर लिया। और उसके बाद मैंने एक बकेट बनाया और फिर वाटर की तलाश में चल दिया। नीचे मुझे एक और बुक सेल्फ वाला लेयर मिला और एक लेयर था जो कि पूरा हॉपर से बना था,
तो मैंने थोड़ा सा उसे भी कलेक्ट कर लिया। एक और गोल्ड का लेयर और एक और आयरन का लेयर मिला और फिर एक लेयर मिला जो कि एमरल्ड ब्लॉक से बना था और उसके नीचे ही आइस वाला लेयर था और उसे ब्रेक करने पर वाटर भी मिल गया, तो मैंने उसे बकेट में ले लिया। वाटर को मैंने अपने छोटे से विट फार्म में रख दिया। फिर मैंने मॉब होम के लिए एक कलेक्शन सिस्टम बनाया और हाँ, होम मैंने 3 लेयर का बनाया था तो इसमें बहुत सारे एल्डर मैन भी स्पॉन हो रहे थे और इसे हमें एल्डर पल्स भी मिल रहा था। इसके बाद मैंने अपने हार्स को भी फेंस के अंदर कैद कर दिया क्योंकि यह बहुत ही परेशान कर रहा था। और अब मैं फिर से माइन करने चला गया लेकिन इस बार मुझे बस कचरा मिल रहा था तो मैं वापस आ गया। फिर मैंने एक और बकेट बनाया और नीचे से लावा लेकर आया और 4 ब्लॉक का एक लावा पूल बनाया और इस पर वाटर डाल के ऑब्सीडियन बना दिया। और जो डायमंड में लाया था उसका मैं एक डायमंड पिकैक्स बनाया और सारे ऑब्सीडियन को माइन करके मैंने एक इंचेंटिंग टेबल बनाया और नीचे से बुक सेल्फ ला के इंचेंटिंग टेबल को मैक्स किया और फिर अपने डायमंड पिकैक्स को इंचेंट करने लगा। मुझे अनब्रेकिंग मिला लेकिन मुझे इफिशेंसी चाहिए था तो फिर मैंने उसे डिसइंचेंट करके फिर से इंचेंट किया और इस बार मुझे इफिशेंसी भी मिल गया। फिर मैं नीचे से और हॉपर कलेक्ट करके लाया और एक कोबलस्टोन जनरेटर मशीन बनाया। अब मैं यहाँ से कोबलस्टोन की मास प्रोडक्शन करने वाला था। इसी बीच भाई को एक पिकैक्स में सिल्क टच मिल गया था तो मैंने उससे पिकैक्स को एक्सचेंज किया और उसे नेदराइड में अपग्रेड किया और फिर मैं स्टोन माइन करना स्टार्ट किया। इसके बाद मॉब फार्म से एक कैरेट भी मिला तो मैंने बोन मिल का यूज करके उसे ग्रो किया और थोड़ी देर बाद भाई को मॉब फार्म से एक पोटैटो भी मिल गया। तो अब हमारे खाने और सोने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था लेकिन हमें रहने के लिए घर चाहिए था तो फिर मैंने एक ओपी वाला एक्स बनाया और हम लोग घर बनाने के लिए वुड कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और फिर भाई ने एक कांड कर दिया। ओके, तो अभी मेरे पीछे एक मॉब फार्म था जो कि अब गायब हो चुका है। भाई ने कोबल स्टोन मशीन के पास एक ट्री को प्लांट कर दिया था तो ट्री में आग लग गई और वो आग फैल के मॉब फार्म में चला गया और हमारी आंखों के सामने ही पूरा मॉब फार्म जल गया। इसके बाद मैंने सारे मटेरियल्स को फिर से कलेक्ट किया और मॉब फार्म को फिर से बनाया। मॉब फार्म को ठीक करने के बाद मैंने ट्री फार्मिंग के लिए एक छोटा सा एरिया बनाया और डर्ट और ग्रेवल को मिला के कुछ कोरस डर्ट बनाया और फिर से घर बनाने के लिए वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैंने देखा कि मॉब फार्म में 2 ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुए थे तो पहले वाला ज़ॉम्बी विलेजर तो मर गया था तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत थी तो मैं इन्हें मॉब फार्म से बाहर निकाला और बोट में बैठा दिया। और इसके बाद मैंने फिर से मॉब फार्म को स्टार्ट किया और इस बार भी 2 ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुए थे और साथ में एक विच भी था, यानी हम ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते थे। तो फिर मैं भाग के नीचे से गोल्ड माइन करके लाया और 4 गोल्डन एप्पल बनाया और फिर मैंने विच वाले मेथड से उन्हें क्योर करना स्टार्ट किया जिसमें हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन हमने किसी तरह से 2 विलेजर को क्योर कर लिया और अब मैं ज़ॉम्बी का डॉक्टर भी बन गया था। फिर मैंने बचे हुए ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया और अब हमारे पास 2 विलेजर भी आ गए थे लेकिन अभी तक हमारे पास घर नहीं था तो फिर हमने घर बनाना शुरू नहीं किया, फिर से वुड कलेक्ट किया क्योंकि 3 दिन हमने केवल विलेजर को क्योर करने में लगा दिया था। फिर मैं day 23 को घर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया और फाइनली घर पर काम शुरू किया। ओके, तो फाइनली अब हमारा घर बनके रेडी है और अभी day 38 चल रहा है, यानी इसे बनाने में मुझे 15 डेज का समय लग गया। तो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कि अभी ये कैसा है। ओके, तो ये है ग्राउंड फ्लोर और ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है तो ये है वो सेकेंड फ्लोर और इस फ्लोर पर भी काफ़ी स्पेस है। घर को कम्प्लीट करने के बाद भाई ने एक फॉर्चून 3 का पिकैक्स बनाया था तो मैं उसे लेता हूँ और नीचे से कुछ डायमंड माइन करके लाता हूँ और उससे बहुत सारे टूल्स बनाया और उसे इंचांट करता हूँ। मुझे बहुत ही ओपी इंचांटमेंट मिला और इसके साथ ही मैंने उन्हें नेदराइड में भी अपग्रेड कर दिया। day 39 को हम लोग फिर से नीचे गए और अब हम लोग सारे लेयर्स को बिटरॉक तक माइन करने वाले थे क्योंकि अब हमें अमीर होना था। तो फिर क्या था, हम लोगों ने माइन करना स्टार्ट किया। ओके,
ओके, तो अभी हो गया है डे 49, यानी 10 डेज बीत चुके हैं और ये माइनिंग हमने पता नहीं कहाँ से शुरू किया था, लेकिन अभी हमने सारे ब्लॉक को माइन कर दिया है इन किनारे वालों को छोड़ के। और हाँ, ये देखने में काफी कूल लग रहा है। इसके बाद अगले 3 डेज तक हमने सारे आइटम को अपने घर में मूव किया और उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया। तो माइनिंग से हमें एक फुल डबल चेस्ट और एक हाफ डबल चेस्ट लेपिस मिला और इतने सारे डायमंड और एमराल्ड और डेब्रिज और ऑब्सीडियन मिला। और हाँ, अभी तक हमने नेदराइट ब्लॉक को माइन नहीं किया है, उसे हम बाद में माइन करने वाले हैं। और इतने सारे आयरन और आयरन ब्लॉक, गोल्ड और गोल्ड ब्लॉक भी हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बहुत सारे आइटम इधर भी हैं, यानी अब हम लोग बहुत ही अमीर हो गए हैं। इसके बाद मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और फिर मैं नेदर चला गया। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास आर्मर नहीं है, तो फिर मैं वापस भाग आया। क्या फायदा होता इतनी अमीरी का जब मैं मर ही जाता। तो फिर मैंने अपने लिए आर्मर बनाया और उसे इंचेंट किया, और इस बार मुझे बहुत ही ओपी इंचेंटमेंट मिल रहा था। इसके साथ ही मैंने एक स्वॉर्ड भी बनाया, और एक विलेजर हमें लूटिंग 3 की बुक सेल कर रहा था, तो मैंने उसे 2 बुक भी बाय किया और एक लूटिंग 3 का स्वॉर्ड बनाया। तो अब मैं अमीर के साथ पावरफुल भी हो गया था। फिर मैंने एक ओपी वाला बो भी बनाया और फिर हम लोग नेदर चले गए। इस वाले वर्ल्ड में नेदर बहुत ही ढूंढला दिख रहा था। मैंने सेटिंग को भी चेंज किया, लेकिन इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। फिर हम लोग नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने लगे। इस जर्नी में मैंने एक युद्ध भी लड़ा, वो भी सबल से, जिसमें मुझे जान बचाने के लिए मैदान छोड़ के भागना पड़ा। फोर्ट्रेस ढूंढते हम लोग सोल सैंड वैली में पहुंच गए, और वहां पे मैं फोर्ट्रेस भी मिल गया जो कि मेरे पीछे ही था, लेकिन मैं अंधा, मेरे को दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर हम लोग फोर्ट्रेस में चले गए और वहां पे हमारा स्वागत करने के लिए एक ब्लेज भाई साहब थे, जिनको मारने पे मुझे 3 ब्लेज रॉड मिल गया। फिर मैंने अपना वही चोरी और लूट वाला काम शुरू किया, और मैंने केवल 2-3 ही वेदर स्केल्टन भी मारा था, और मुझे एक वेदर स्कल भी मिल गया था। फिर हम लोग ब्लेज स्पॉनर ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई ब्लेज स्पॉनर मिला ही नहीं। और फिर भाई ने अपना काम किया, वही मरने वाला, मुझे ब्लेज स्पॉनर तो नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के ब्लेज रॉड को मारने लगा, और जल्द ही मेरे पास 11 ब्लेज रॉड कलेक्ट हो गए। फिर मैं वापस आ गया। अभी डे 58 हो गया था। फिर मैंने एल्डर ड्रैगन को मारने की तैयारी शुरू किया, और फिर मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट किया, और डे 60 को हम लोग इंड में चले गए। और हाँ, नेदर की तरह इंड में भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं ये क्या नशे हो रखे थे इस वर्ल्ड में। फिर मैंने सारे क्रिस्टल को तोड़ा, और फिर मेरी फाइट शुरू हुई एल्डर मैन से। मैंने बहुत सारे एल्डर मैन मारे, मतलब इतना एल्डर मैन मारा कि मैं पूरे एल्डर पर्ल की एक दुकान खोल सकता था। और एल्डर मैन ने मुझे इतना मारा कि मेरा अनब्रेकिंग 3 वाला चेस्ट प्लेट ही तोड़ दिया। और अभी तक हमने एल्डर ड्रैगन को भी नहीं मारा था, क्योंकि वो बैठने को ही तैयार नहीं था। तो फिर मैंने अपने नीचे वाटर लगाया और उसमें खड़े होकर अंधों की तरह एरो चलाने लगा। भाई तो एक टावर के ऊपर ही चढ़ गया था। इतना वर्स फाइट होने के बाद भी हम लोगों ने एल्डर ड्रैगन को मार ही दिया। और एज ए ट्रेडिशन मैंने उसके एक को भी टेपली मार के चोरी कर लिया, और फिर ओवरवर्ल्ड में आ गए। वापस आके मैंने सबसे पहले अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बनाया और अपने आर्मर को भी रिपेयर किया और इसे नेदराइड में अपग्रेड किया। और अब मैं और ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अब हमारा एक मेन लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा था, एक सुंदर सा बेस बनाना, जो कि अभी एक बेस भी नहीं था, बस एक हाउस और एक मॉब फॉर्म था। तो इसके बाद मैं फिर से नेदर चला गया और वहाँ से डर्ट बनाने के लिए ग्रेवल कलेक्ट करने लगा। मैंने वहाँ पे जितना भी ग्रेवल मिला सारा कलेक्ट कर लिया, और वापस आके मैंने ग्रेवल का कोरस डर्ट बनाया और उसे प्लेस करके कोरस डर्ट से डर्ट में कन्वर्ट किया। फिर मैंने बहुत सारे ट्री प्लांट किया और उसे चॉप किया। मैंने हाफ सल्कर बॉक्स से ज्यादा वुड कलेक्ट किया था, और जब तक मैं ये सब कर रहा था तब तक भाई ने साइड वाले प्लेटफार्म को भी एक्सपेंड कर दिया था। उसके बाद मैं रात के समय विलेजर को उनके बंकर से बाहर निकाला और उन्हें अपने घर में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने बहुत सारा बेड क्राफ्ट किया और साथ में कुछ पोटैटो को ग्रो किया। इसके बाद मैंने सारे बेड को विलेजर के पास प्लेस किया और उन्हें खाने के लिए पोटैटो दे दिया, और अब मेरा हाउस ओयो बनने वाला था। बस यहाँ पे मैंने कोई स्पाइक कैम नहीं लगा रखा। फिर मैंने थोड़ा सा और कैरेट ग्रो किया, और विलेजर के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे एक बेबी विलेजर आ चुका था, यानी इन दोनों ने यहाँ पे कोई रोमांटिक मूवी तो बनाया था। तो खुश होकर मैंने उनको खाने के लिए थोड़ा सा कैरेट दे दिया, और ये सब देख के मॉब फॉर्म के मॉब ने प्रोटेस्ट कर दिया। उनकी डिमांड थी कि उन्हें भी फ्रीडम दिया जाए और विलेजर की तरह उन्हें भी खाने और रहने की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। कुछ प्रोटेस्टर हिंसा पे उतर आए, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी, और कुछ बहरूपिया बन के हमारे एनिमल के साथ घुल मिल गए। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, मैंने उनका डटकर मुकाबला किया, और इस युद्ध में मेरे पिग और हार्स बलिदान हो गए। ओके, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब इन भाई साहब की गलती थी। फिर मैं अपने जीतने की खुशी विलेजर के साथ शेयर करने गया। विलेजर, मैंने उनको मार दिया। मैं मॉब की बात कर रहा था। ओके, मैं चाहता हूँ। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हमने बहुत सारा स्लैब बनाया और फिर प्लेटफार्म को एक्सपेंड करना शुरू किया।
प्लेटफार्म को एक्सपेंड करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि प्लेटफार्म के दोनों साइड में विलेज बनाऊंगा। तो फिर मैंने मटेरियल कलेक्ट किया और फिर मैंने विलेज बनाना शुरू किया। ओके, तो मैंने पहले ये लाइब्रेरियन का घर बनाया था और फिर मैंने एक और घर बनाया। ये घर तो कंप्लीट हो गया लेकिन मेरे सारे लॉग खत्म हो गए और अभी एक भी साइड का विलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे फिर से लकड़हारा बनना पड़ा। फिर मैंने बहुत सारा ट्री प्लांट किया और उसे चॉप किया और उसके बाद माइन करके थोड़े से स्टोन भी कलेक्ट किया। फिर मैंने देखा कि भाई ये पता नहीं क्या बना रहा था। मैंने इसे बोला था यहाँ पे एक फार्मिंग एरिया बना दे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गया। उसके बाद मैं फिर से विलेज पे काम शुरू कर देता हूँ। अभी एक साइड का विलेज कंप्लीट हो गया था और डे 81 हो गया था और मुझे अभी एक और साइड का विलेज बनाना था और भाई तो अभी यही कर रहा था, ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने सेकंड विलेज बनाने के लिए मटेरियल्स कलेक्ट किया और फिर मैंने कुछ आत्माओं को मुक्ति भी दिया। मैंने इतना पाप कर लिया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पुण्य किया जाए, तो मैं विलेज में एक टेम्पल या चर्च, जो भी आप कह लो, वो बनाने लगा और उसके साथ ही मैंने कुछ घर भी बनाया। इसके बाद मैंने विलेज पे थोड़ी सी हरियाली ऐड करी और फिर मेरे नेटवर्क के सस्ते नशे हो गए तो मैं मर गया था पता नहीं कैसे। इसके बाद मैंने फिर से विलेज पे थोड़ा काम किया और उसे एक प्रॉपर माइनक्राफ्ट विलेज की तरफ बनाने की कोशिश किया और थोड़ी सी लाइटिंग भी ऐड करी। और अब फाइनली विलेज कंप्लीट हो गया था और अभी तक भाई फार्मिंग एरिया पे ही काम कर रहा था, तो फिर मैंने उसके साथ भी थोड़ा काम किया और इसके साथ ही फार्मिंग फील्ड को रेडी करके सारे क्रॉप को वहाँ पे प्लांट किया और फाइनली डे 90 तक बेस का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और भाई ने इसे काफ़ी सही बनाया था और ये देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा था। बस इस पीछे वाले घर को छोड़ दे तो इसने बड़ा ही अजीब घर बनाया था, वो भी बिना दरवाजे का। पता नहीं ये यहाँ पे क्या करेगा। एंड बिलीव मी, मेरा इसे बनाने में कोई हाथ नहीं है, मैंने बस इसके रूप पे काम किया है, ये केवल भाई का क्रिएटिविटी है। अब हमारा बेस कुछ सुंदर लग रहा था लेकिन अभी भी बिल्ड कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी चारों कॉर्नर रह गया था। लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए हमें एक बार फिर से नेदर जाना था क्योंकि हमें नेदर से कुछ मटेरियल चाहिए थे और मेनली बीकन बनाने के लिए हमें वेदर स्केल्टन स्कल चाहिए था। तो फिर हम लोग वापस नेदर चले गए और फोर्ट्रेस पे वापस पहुंचे। फिर मैंने अपना काम किया वेदर स्केल्टन को मारने वाला और भाई ने अपना काम किया वही मरने वाला। कुछ स्केल्टन को मारने के बाद मुझे एक स्कल भी मिल गया और उसके बाद शुरू हुआ असली दर्द। मैंने सोचा था कि मैं कम से कम दो बीकन बनाऊंगा, इसके लिए मुझे 6 स्कल चाहिए थे, लेकिन थर्ड वाले स्कल के लिए मैंने बहुत सारे वीडर मारा और जब मुझे तीसरा स्कल मिला तब तक मेरे हेलमेट की पूरी हालत खराब हो चुकी थी, अब मैं फाइट नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने फोर्ट्रेस के पास ही क्रिम्सन फॉरेस्ट में चला गया और वहाँ से मैंने थोड़े से क्रिम्सन लाइनियम को कलेक्ट किया और पास में ही वार्प फॉरेस्ट भी मिला, तो मैंने वहाँ से थोड़े से वार्प लाइनियम को भी कलेक्ट किया। इसके बाद मैं फोर्ट्रेस से वापस आ रहा था तभी एक और स्केल्टन मारा जिससे मुझे एक और स्कल मिल गया। इसके बाद मैं पोर्टल के पास वापस आते समय थोड़े से सोन सैंड भी कलेक्ट किया और फिर वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। वापस आके मैंने देखा तो डे 97 चल रहा था, तो फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए एक नेदराइट ब्लॉक को माइन किया और फिर अपने आयरन को रिपेयर किया। फिर मैं वेदर को मारने के लिए इंड में चला गया और वहाँ पे मैंने बेडरॉक के नीचे वेदर को स्पॉन किया और उसकी कुटाई करी और मुझे एक नेदर स्टार भी मिल गया। तो फिर मैं वापस आया और एक बीकन क्राफ्ट किया। इस बीकन को बनाने में मेरा बहुत मेहनत लग गया था। डे 98 हो गया था और अभी भी मेरा बिल्ड कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसके बाद मैं फिर से नेदर गया और वहाँ से मैंने बहुत सारे नेदर रॉक कलेक्ट किया और वापस आके हम लोग काम पे लग गए। एक कॉर्नर पे हमने क्रिम्सन फॉरेस्ट बना दिया और एक कॉर्नर पे हमने वॉर फॉरेस्ट बना दिया और एक साइड मैंने एक नॉर्मल ट्री फॉरेस्ट बना दिया। ओके, तो अभी लास्ट कॉर्नर बचा है और यहाँ पे हम इनके लिए एक एनिमल फॉर्म बनाने वाले थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं लेकिन फिर भी मैं इसे बनाने वाला हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, आई लव एनिमल्स, लव टू ईट देम, तो मैं इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। तो इसके बाद मैंने चेस्ट से सारा डर्ट लिया और उसे प्लेस करने लगा और भाई ने उसे थोड़ा सा डिजाइन भी कर दिया। इसी बीच मैंने बीच वाले प्लेटफार्म को क्लीन किया और सारे सामान को घर के अंदर मूव किया और फिर मैंने सारे एनिमल को भी एनिमल फॉर्म में मूव कर दिया। ओके, तो अब एनिमल फॉर्म भी डन हो गया था और इसके बाद हमने सारे नेदराइट ब्लॉक को माइन किया और बीच वाले प्लेटफार्म को भी ठीक किया। फिर मैंने बहुत सारा फेंस बनाया और विलेजर के सेफ्टी के लिए विलेज के चारों तरफ फेंस को लगा दिया। फिर मैंने रात के समय सारे विलेजर को विलेज में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो अभी हमारा सारा बेस कंप्लीट हो गया था और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी एक लास्ट काम रह गया था, बीकन बनाना, तो मैंने उसे भी फटाफट कंप्लीट कर दिया और नेदराइड वाले बीकन को एक्टिवेट भी कर दिया और इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारा बेस पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया था और ये देखने में मुझे बहुत ही सही लग रहा था।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ यार कमेंट करो, अच्छा लगता है। तो सी यू, बाय।